हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बनाना पैनकेक्स, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। और आप इन्हें सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, शाम के इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हो। बहुत ही इजी है बनने में, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बनाना पैनकेक, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जिसे हम ओट्स से बनाएंगे। तो बनाना पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बनाना। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट वाला बनाना लिया है, जिसे हम मैश करने में हमें आसानी होगी। मैं यहाँ पर लगभग डेढ़ बनाना ले रही हूँ। हाफ बनाना हम और ले लेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए मैं यहाँ पर एक फोक ले रही हूँ। फोक से इसे इस तरह से अच्छे से मैश कर लीजिए। बनाना पैनकेक बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप उन्हें टिफिन में भी डालकर इन्हें दे सकते हो। बनाना हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ओट्स। तो ओट्स को पहले मैंने क्या किया, इस मिक्सर ग्राइंडर के जार में से हमने पीस लिया है। मैंने इतना ही एक कप ओट्स लिया था, उसे मैंने जार में डालकर पीस लिया है। इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप इसमें गेहूँ का आटा है, उसे भी ऐड कर सकते हो। गेहूँ के आटे से भी आप इसे बना सकते हो, उसे भी बहुत टेस्टी बनेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के जितना कर्ड। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी जैगरी, जिसे गुड़ बोलते हैं। इसे मैंने बारीक बारीक इस तरह से कूट लिया था। अगर आपके पास शक्कर पाउडर है तो आप उसे भी डाल सकते हो। ये लगभग 2 चम्मच के आसपास है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड करूंगी वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड करूंगी नट्स। मैंने यहाँ पर बादाम और काजू को इस तरह से कूट लिया था, थोड़े से डाल रही हूँ। आपके पास अगर है तो यूज कीजिएगा, वरना ये ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध और इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे पिंच के जितना बेकिंग पाउडर और पिंच के जितना ही बेकिंग सोडा, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और पिंच के जितना ही हम इसमें डालेंगे नमक और इसे अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए। मुझे इसे बनाने में लगभग 3-4 कप के जितना दूध लगा है। और अभी हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम अपने पैनकेक बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और उसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे अच्छे से, चारों तरफ इस तरह से ग्रीस कर दूंगी मैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपना बैटर। इसे लो फ्लेम पर मैं इसे 2-3 मिनट पका लूंगी। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर भी बटर डाल देंगे।
और अब हम इसे पलट लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ध्यान से पलटिएगा इन्हें। ये देखिए कितना ही बढ़िया लग रहा है, अच्छे से पक चुका है। अब हम इधर से भी 2-3 मिनट तक पका लेंगे। दोनों तरफ से सिक चुका है, अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। हम अपने सारे पैनकेक्स बनाकर इसी तरह से रेडी कर देते हैं। पैनकेक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। रेडी करने से पहले इन्हें हम डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जैम लिया है, जिसे मैं पूरे पर स्प्रेड कर रही हूँ इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप, उससे भी इसे डेकोरेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालकर या फिर फ्रूट्स डालकर आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर थोड़े से एप्पल के स्लाइस ले रही हूँ, जिससे मैंने यहाँ पर छोटा सा एक बटरफ्लाई बनाया है, उससे मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से या किसी भी चीज़ से इसे डेकोरेट कर सकते हो इस तरह से, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी ऊपर से, जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो चलिए मैं सिप बनाना पैनकेक बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरा का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।